अस्सलाम वालेकुम, असद बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची से, बल्कि अब तो कहूँगा पूरे पाकिस्तान से हैप्पी वुमेंस डे आप तमाम लोगों को। ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं बाजी? एक सेकेंड, ये फ़ैन बंद हो सकता है, एक सेकेंड। सुबह सुबह जो है औरतों का आलमी दिन है, आज आप छुट्टी करते, रेस्ट करते, और मैं चाहता हूँ कि छोटा सा एक मैसेज के बाजी घुमा के, हाँ पीछे से स्विच, बाजी स्विच निकाल दें। हाँ, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा मैसेज जो है ख़वातीन के आलमी दिन पे, जैसे आज यहाँ बैठे आप माशाल्लाह डेली सुबह सुबह जो इन माओं का देखती हैं, ख्याल करती हैं, वो ख़वातीन के जो मेरा ख्याल है शायद खुद अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, उनका ख्याल करती हैं, फिर उसके बाद जो नॉर्मल खातून हैं उनके पास जाती हैं। छोटा सा मैसेज ख़वातीन के लिए, ख़वातीन क्या करें? कुछ भी नहीं, ख़वातीन अल्लाह पाक ने इतना प्यारा रिश्ता नाम औरत को दिया हुआ है, और मुझे तो अपने औरत होने पे बड़ा फ़ख्र है माशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक ने औरत या माँ के कदमों के नीचे जन्नत दी है, तो वो छोटा मकाम नहीं है ये, बेशक हमें उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो विल पावर जिस औरत में है, मैं तो कहती हूँ कि सब औरतों में है, तो वो अपनी विल पावर इस्तेमाल करें, और चार दीवारी में अगर कोई चार दीवारी में ये घर से बाहर निकल रही है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो के अपने काम करे, क्योंकि अगर हमारी नीयत साफ़ है ना, हमारी नीयत साफ़ है तो कोई हमें हला नहीं सकता, हमारे कदमों से हमें कोई हला नहीं सकता। तो बस मेरा पैगाम यही है कि हमें फ़ख्र करना चाहिए औरत होने पर, और वो करना चाहिए जो कोई ना कर सकता हो, और हम मर्दों से कम नहीं है, हम मर्दों के ऊपर हैं। हालांकि कहते हैं कि जी मर्द शाना बशाना जी बराबर है, मैं कहती हूँ कि हम मर्दों से ऊपर हैं, क्योंकि हमारे कदमों के नीचे जन्नत अल्लाह ने दी है। बेशक, तो अगर अल्लाह ने मकाम दिया है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कमज़ोर बने, हम कमज़ोर नहीं है, हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो अल्लाह पाक ने विल पावर दी है ना, वो हम लोग वो इस्तेमाल करें, और अल्लाह से मांगे, और हमें स्ट्रॉन्ग है होना चाहिए, हमें बेशक, और हाँ कोई भी है, वो सैलून रन कर रही हैं या ब्यूटिशियन है, मीडिया में है, या डिफरेंट जगह जॉब्स कर रही हैं, तो वो उनको मजबूत होना चाहिए। मैं तो चार दीवारी में करती हूँ ना, मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जो घरों से निकल के करती है, जिस तरह बुटीक वगैरह करती है, लोग करती हैं, सुबह निकलना, फिर घर में आना, फिर अपने शोहर की बातें सुनना, फिर घर के बच्चों के मसले, आप लोग ज़्यादा मजबूत हो जो बाहर निकलते हैं, और ऐसे ही डटे रहो और काम करते रहो। हमारा कोई मर्दों को तो फिर भी छुट्टी होती है, हमें तो छुट्टी भी नहीं होती है। और हम क्या बात पावर वाले हुए ना, क्या बात हम औरतें पावर वाली स्पेशल है, हम लोग अल्लाह ने हमें स्पेशल बनाया हुआ है। और मैं सबको जो घर में है, जो काम करती है, और घर वाले ये ना समझे, घर वाली औरत ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं करती, सबसे बड़ा काम वही करती है, क्योंकि उसने सारा दिन सुबह उठना है शाम तक अपना ये जो दिमाग है ना एक ही जगह पे उसने डिवाइड करना है। और बाहर वाली तो फिर भी बाहर निकली हैं, फ्रेश हुई हैं, बाहर निकली हैं, बाहर जाके मिला, उनसे मिली, उनसे बातचीत की, तो फिर वापस घर आई ना। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा, मैं अपने जैसी, अपने से दूसरी भी, बाकी तमाम औरतों को आज के दिन की मुबारकबाद। हमारा तो सारा दिन हमारा ही, क्या बात है, हमारा तो रात भी है, दिन भी है, क्या बात तो है, बहुत ज़्यादा बातें हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा बातें। मैं एक छोटा सा एक सवाल कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उनको भी हिम्मत दें। ज़ाहरी बात है आपने भी जब ये रिसेंटली स्टार्ट काम किया होगा ख़वातीन का, जो बुज़ुर्ग आप अपने घर में ले आई, या डिफरेंट जो लोग कोई सैलून का काम कर रही हैं ख़वातीन, कोई ब्यूटिशियन है, तो लोग शुरू में गलत नज़रिए से देखते होंगे, गलत सोच से देखते होंगे, आपको भी शुरू में देखते होंगे कि यार ये क्या काम कर रही हैं, ये क्या है, ये पता नहीं क्या ये उठा के ले आई हैं घर में, कोई ये पता नहीं क्या मामला था, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? आज माशाल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में बिनते फातिमा कराची लाहौर इस्लामाबाद, माशाल्लाह मेरी बहुएं, हाँ वो भी ख़वातीन है, तो मतलब ख़वातीन अपने आप को अपने अंदर नियत जो है वो मजबूत रखें, और देखें अल्लाह ताला ये जो अगर कोई आपके कोई कहता भी है तो वो भी खामोश हो जाएगा आपकी नियत आपके अमाल की वजह से, अमल की वजह से। बात ये है कि औरत जो है ना, औरत बहुत नाजुक चीज़ अल्लाह ने बनाई हुई है,
तो मैं मर्दों को गलत नहीं कहूँगी, मैं अपने आप को ही गलत कहूँगी, हमें अपने आप को मजबूत करना है, चाहे रस्ते में जो भी आए, क्या बात है, उसको ठोकर मारनी है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, और काम करते रहने जैसे आप कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत मैसेज देने के लिए सुबह सुबह के लिए। बस जी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो खवातीन के काम कर रहे हैं, खवातीन काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, और उनका साथ बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।